अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइट। नाज़रीन, शहर भर में वज़ीर-ए-आला की हदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस के साथ शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मॉल टाउन लिंक रोड पर, जहाँ इंक्रोचमेंट की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी और पिछले 6-7 दिन की कैंपेन के बाद इसको क्लियर करार दे दिया गया है। और अब शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आप मुसलसल ये कैंपेन देखेंगे और शहर को तजावुजात से पाक करेंगे। किस तरह से ये ऑपरेशन होता है, क्या रेजिस्टेंस आती है, क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपको दिखाते हैं मेरे साथ। जी नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पर शहर भर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ तहसीलों में एसी साहिबान जो हैं वो ख़ुद इसकी सुपरविजन कर रहे हैं और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो दिखाई जा रही है कि कोई एक दुकान के बाहर भी एक स्टैंड भी अगर एंटी इंक्रोचमेंट का लगा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा वार्निंग्स जो हैं वो दुकानदारों को जारी कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉल टाउन लिंक रोड पर और ये गुलबर्ग टाउन का एरिया, मॉल टाउन का एरिया जो कि क्लियर करा दिया गया है। इतनी सफाई हमने आज तक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस में नहीं देखी, लेकिन ये रोड पूरे का पूरा फुटपाथ जो लोग हमसे बहस किया करते थे, आपको याद होगा बहुत से शोज़ हमने यहाँ पर की, वो क्लियर करा दिया गया है। एसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साहबजादा यूसुफ, उनसे हम बात करेंगे। और शो शुरू होने से पहले ही एक्शन चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि कोई एक स्टैंड की भी वार्निंग नहीं दी जाएगी। आपने जो मॉडल टाउन रोड को, मैं कहूँगी कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन में मॉडल रोड बना दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, कितनी रेजिस्टेंस आई, कितनी मुश्किलात आईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बेसिकली मॉडल टाउन लिंक रोड जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन थी, डिफरेंट किस्म के जो है रेडियाँ भी लगती थी और दुकानदार भी थे, वो भी अपना सारा सामान आगे रखते थे, चाहे वो जूस वाला है या कोई गारमेंट्स वाला है। और अक्सर जो है रोड में इसको रात को, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इसमें मॉल्स भी हैं, ब्रांड आउटलेट्स भी हैं, ना पार्किंग की जगह होती थी, ना लोगों के गुजरने की होती थी। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिस वक्त प्रायोरिटी है हुकूमत पंजाब की, वज़ीर-ए-आला साहिबा की भी विजन है और डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उस पर बहुत कीनली फोकस कर रहे हैं, उसमें हमारा ये था कि देखें हमने ऊपर ऊपर से नहीं करना, वी हैव टू इंश्योर कि हमने जहाँ पर एक दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट कर दी दैट शुड बी सस्टेन्ड। और सस्टेन इस लेवल के कि उस एरिया के दुकानदारों का, लोगों का बिहेवियर चेंज करना है एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया, रादर दैन आप हर जगह पर जाके ट्रक में सामान उठा लें लेकिन जिस वक्त आपके वहाँ से एहलकार हटें दोबारा वापस आ जाए। मॉल टाउन लिंक रोड, ये आप मतलब आपके चैनल के थ्रू भी मैं एक ओपन चैलेंज दूंगा कि सिंस लास्ट फ्यू डेज हम इस पर कर रहे हैं और इसके कई एस्पेक्ट्स ये हैं कि एक तो हम इसमें तमाम ताजर कम्यूनिटी को साथ इंगेज किया हुआ है, दूसरा ज़ीरो टॉलरेंस है। जो करता है रिगार्डलेस उसकी दुकान बड़ी है, छोटी है, मॉल ओनर है, कोई जानने वाला है, नहीं जानने वाला है, नो, आपकी दुकान सील होगी एंड यू विल पे द प्राइस, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सुपरविजन हो रही है, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, इस तरह DSP साहब भी मौजूद हैं, ट्रैफिक ने भी उसी लेवल का जो है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। यहाँ पे मेन रोड पे बहुत ज़्यादा पार्किंग होती थी, सर्विस रोड के दोनों तरफ पे होती थी, ट्रैफिक पुलिस, MCL, लिपार्क, सारे महकमों ने बड़ा अच्छा काम किया और आप देख सकते हैं मॉल टाउन लिंक रोड जो है इट इज़ बिकमिंग अ मॉडल। हम रात को भी इसको सुपरवाइज करते हैं, सुबह अर्ली में भी करते हैं, दोपहर में भी करते हैं। आपको लगता है कि सख्ती हल है? जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है सख्ती, बट सख्ती भी ये है कि इट शुड बी क्या कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, आपने उसमें थोड़ी भी डिस्क्रेशनरी की किसी पे कम नरमी, किसी पे सख्त नरमी तो वो होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शॉपकीपर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेडी वगैरह, उस पर हम नरमी करते भी हैं उनको, हम अपने रेडी बाजार में करते हैं, मूवेबल होते हैं और उनका रेडी बाजार वाली कॉन्सेप्ट में भी उनको इंगेज कर रहे हैं, बट जो यहाँ पे दुकानदार हैं जिनकी कमाई भी अच्छी है, जीरो टॉलरेंस अक्रॉस बोर्ड, जिसने किया ताजरों को हमने लूप में लिया, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस थी, बट देखें पूरी रोड आज आपको फुटपाथ क्लियर मिल रहे हैं, आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, फैमिलीज वुमेन देयर यूजिंग द फुटपाथ, जबकि वो पहले रोड के ऊपर चल रही होती थी, बिकॉज़ फुटपाथ पे जा नहीं सकते। और हमने सर आपके तवज्जो से मैं दिखाना चाहूँगी, साइड विंडो में आप वीडियोस देखें, हमने इस रोड पर शो किया और दुकानदार हमें क्या कहते थे, जी ये जगह छूटी तो ही है गुजरने की, वो जो एक फुट की जगह छोड़ दी और 5 फुट के ऊपर दुकान। जब पूरी रोड में, जब पूरी रोड ने ये काम किया तो ऑब्वियसली जब आपको कॉम्पिटिशन कोई आगे आ रही नहीं है, सब अपने दुकान की हदूद के अंदर है, तो इवन देव रियलाइज कि इससे होता कुछ नहीं है, आपके फुटपाथ कवर करने से अगर आपको रिस्क आपका जो है वो दुकान के अंदर भी मिलेगा जो बाहर ही मिलेगा, आपकी दुकान ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कि आप बाहर आ जाएं, तो उसको भी मेरा ख्याल है बिहेवियर चेंज आ रहा है, हम कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से मॉनिटर कर रहे होते हैं, एंड यही मॉडल जो है अब आप आगे और जगहों पे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जगहों पे ले जा रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि
वाकई हमारे जो है हम फुटपाथ वापस पेडेस्ट्रियंस के लिए वापस। आज हम कुछ एरियाज भी आइडेंटिफाई करेंगे आपकी तहसील में जहां हम जाएंगे आपकी टीम के साथ और आपके साथ, और वहां भी एक्शन करेंगे। लेकिन यहां कुछ ताजर लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि मैं उनसे भी बात करूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप तो साथ हैं, किधर गए वो अंकल एक खड़े थे? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी नहीं है कोई कोई दुकानदार? वालेकुम अस्सलाम। ये एक्शन सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हम गलत भी, अगर हम सही भी बोलेंगे तो हमें उठा लेंगे। नहीं, कौन उठा लेगा, मैं कोई नहीं उठाएगा, इतना डरने की क्या बात है? आपके सामने क्या गरीब के साथ जुल्म नहीं है? क्या करें वो, ये खड़े हुए, ये माशाल्लाह ये सारे इधर के ही हैं, इनसे पूछें इन पे क्या गुजरी, उनके घर बीवी बच्चे नहीं है, उन्होंने घर का रेंट नहीं देना, बिजली के माशाल्लाह बिल कम आ रहे हैं, लेकिन भाई कौन जिम्मेदार है? मुझे सिर्फ एक बात बता दो, इसका मतलब ये है कि दुकान सड़क पे लगा के बैठ नहीं नहीं, आप पैदल चलने का रास्ता बंद कर दें। लेकिन वो एक, अब ये पार्किंग का है ना, ये पार्किंग का है इशू है, पार्किंग पार्किंग की जगह है, उसके बाद आप सर्विस रोड पे भी लगती है, सर्विस रोड पे नहीं लगा सकते आप? नहीं, सड़क रोड की बात नहीं है, वो भी रोड ही है, सर्विस टू साइड है, लेकिन वो मैनेजमेंट तो करना बनता है ना। अब ये देखे ना क्या करें, इनके घर बीवी बच्चे नहीं है, तो आपके ख्याल में ये गलत ऑपरेशन? गलत मैं कह नहीं रहा, मैं कब कह रही हूँ वो ठीक है? मैं तो सर मैं पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें हमारा जनरेटर यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे क्या दुख रहा है, जनरेटर उठा के ले गए, अब लाइट गई थी, हमने कहा जनरेटर लगा दे, अब लाइट अभी आई है, अभी हम उनको क्या होना जनरेटर होगा, क्या आगे करें? वो कह रहे हम सर से बात करके जो बात करते हैं, हमने उनसे दोबारा कोई बात ही नहीं। शॉप की जो जगह है, अब यहां शॉप की जगह इधर आ जाते हैं, हमें कहते हैं आए ना आए, ये आपका लॉजिक 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 प्रेजेंट करें, आए कन्वर्सेशन हम कराते हैं, ये पब्लिक प्लेस यहां पे ठहर जाए, यहां पे पब्लिक। इस हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी इजी साहब, जरा जरा बात सुनिएगा, एक एक छोटा सा आर्गुमेंट आया है यहां पर, वो आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रही हूं कि से बात कर लें। वो ये कह रहे हैं कि उनकी दुकान की जगह है, ये फुटपाथ नहीं है, फुटपाथ यहाँ पे खत्म हो गया। देखें ये आर्ग्यू करते हैं और इनको हम एजुकेट भी साथ साथ करते हैं, आपकी जो दुकानें हैं सेटबैक भी हर दुकानों का होता है, ये डिफरेंट लॉज के तहत बने हुए, फुटपाथ होता है स्पेस, लेकिन दुकानों के बाहर अगर आपका थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है, वो सेटबैक रूल्स के तहत आपके टाउन रूल्स के तहत उसमें आप चीज़ें ना रख सकते हैं ना डिस्प्ले कर सकते हैं। असूल यही है और डायरेक्शन भी हमें यही है कि हर बंदा अपनी दुकान के अंदर के स्पेस को यूटिलाइज़ करे, जितना करना चाहता है करें, बाहर जो ओपन स्पेसेस है उसको नहीं करें, अदरवाइज अगर ये बाहर ओपन स्पेस अगर उनकी अपनी दुकान की भी है तब भी नहीं रख सकते ना, ये दिस इज दिस, ये तो आपकी गली है जिसमें एक्सेस ऑफ हो रहा है, यहाँ पे आप ऑक्यूपाई करने अपने रास्ता बंद कर दिया अंदर का, हमने तो सर ये गली नहीं है, वही मैं कह रहा हूं तो है ही नहीं, तो इसने पूरी दुकान बनाई है, इसके राइट लेफ्ट पे दुकानों ने वहां लगाया हुआ है अपने, ठीक है अपने बाउंड्री के अंदर लगाया फाइन, बट मेन गली को तो ये नहीं कवर कर सकते, मेन तो ये जो दुकान के बाहर का डिस्प्ले का एरिया वहाँ भी नहीं रख सकता, लेकिन ये प्लाजे का एरिया ये तो हम बंद नहीं कर सकते, ये तो हम सेफ्टी के लिए बंद, आपके इसी तरह आपका जिस तरह आप वो देख रहे हैं आपकी वो दुकान है उनका ऊपर बरामदा सा है, बैंक्स का बरामदा होता है, आपने अक्सर देखा होगा प्लान में, तो क्या उधर आप चीज़ें रख सकते हैं? ये सारी एक्सेस होते हैं पब्लिक की, पब्लिक एक्सेस को हम बिल्कुल डिस्टर्ब, ठीक है। इनका एक और पॉइंट था जो मुझे थोड़ा वैलिड लगा कि अगर जनरेटर लगाना है सुबह से लाइट नहीं आ रही तो हम बाहर ही लगाएंगे, उसकी प्लेसमेंट के लिए आप प्लेसमेंट करें, आप उस पर छत पे रखें, आप प्लेसमेंट करें, ये करना है। देखिए जनरेटर का देखिए चीज आपका ये नहीं है, आपका कन्वीनियंस भी तो नहीं कन्वीनियंस नहीं देखना, आपने देखना है। अगर मैं इस तरह आपसे पूछ लूँ, क्या मैं आपसे ये पूछूं कि आपका जनरेटर में कैटलिक कन्वर्टर वाला लगा हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आपने कैटलिक कन्वर्टर के बगैर वाला जनरेटर नहीं लगा, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? देखिए आपने पब्लिक की ईज़ देखनी, अपनी ईज़ नहीं देखी, अपने दुकान के अंदर आप जो करते हैं इट्स एन इशू, बिजली का इशू है, UPS का ऑप्शन देखें, जनरेटर के ऊपर रखें, एक इशू है उसको मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन उस इशू का ये जवाब नहीं है कि आप रोड के ऊपर चीज सकते हैं। सर आपकी बात ठीक है, मगर हमारी बात सुने, ये लाइट इतने दिन से नहीं जा रही, आज लाइट गई, अभी आप आए हैं 2 मिनट पहले लाइट आई, लेकिन भाई आपको अब लाइट गई है, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जनरेटर के अलावा आपका पूरा एक खट्टा भी बात वो उनका तो अंदर कर लेगा, जिम्मेदारी नहीं हमारी, शॉप है पहले, ये देखें बड़े आप बात कर रहे हैं, दिस कैंपेन हैज बीन गोइंग फॉर 6 डेज, यहाँ पे सारे मौजूद हैं, ये सारे मौजूद हैं यहाँ पे, आप इनसे पूछ रहे हैं, वीडियोज़ हैं, मॉल टाउन लिंक रोड के हर ताजर, हर रेस्टोरेंट, हर बैंक मैनेजर, एवरीवन नोस, पिछले 7 डेज से कॉन्स्टेंटली हो रहा है, अगर उसके बावजूद भी ये आपकी रेजिस्टेंस हो के फिर भी कोई बंदा ऑफेंड करे तो दैट इज़ देन जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है। बहुत शुक्रिया जी आपका, और ये जो रेजिस्टेंस आती है जिस पर हम पर भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि शायद हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, शायद हम जिन अफसरान के साथ आए हैं उनकी साइड की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम
पाकिस्तान के कानून की बात कर रहे हैं। तो अगर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा है तो वो चाहे कोई छोटी दुकान है चाहे बहुत बड़ी कोई दुकान है, अगर आपने एंटी इंक्रोचमेंट की है तो फिर आप कानून के जुमने में भी आएंगे और आपकी पकड़ भी होगी। अब हम जा रहे हैं एक और लोकेशन पर जहाँ हमारे साथ ये पूरी टीम जो है वो एक्शन करेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर फुटपाथ तो नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर पूरे का पूरा कब्जा हुआ हुआ है, और ये कब्जा ही कहूँगी मैं क्योंकि इंक्रोचमेंट जो है वो हमारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो है ना कब्जा कहलाता है। सर इस जगह पर मुझे लगता है अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ था और ये आपकी नेक्स्ट ऑन लिस्ट थी। ये बेसिकली मैडम ये है एलडीए फ्लैट्स हैं यहाँ पे, ये फैसल टाउन फ्लैट्स के नाम से ये रोड मशहूर है और इधर बड़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं ऑफ द लोकल्स। ये आप ऊपर देख सकते हैं ये फ्लैट्स हैं, रेजिडेंशियल एरिया है। अब आप खुद बताएं ये फुटपाथ आपके सामने है, यहाँ पे इस फ्लैट से उतर के ख्वातीन या फैमिलीज कैसे जाएंगी? इतना कंजेस्टेड बना दिया है, मल्टीपल इधर कंप्लेंट्स आ रही हैं। हम यहाँ पे अभी ये स्टार्ट ऑफ एन ऑपरेशन, ये फर्स्ट एक आप कह सकते हैं कि हमने अब यहाँ पे हम कन्फिस्केट करेंगे और दिस इज गोज एज अ वार्निंग आज आपके साथ। सेकंड स्टेप में फिर आगे हम जो परमानेंट चीज़ें बनी हुई हैं, किसी तंदूर वाले ने अपना वो फटाके निकाला है, किसी ने शेड निकाला है, वो हम अगर इनको आज वार्निंग मिल जाएगी ये रिमूव कर देते हैं तो चाहिए, वरना वो आके हम डिमोलिश करेंगे और कॉन्स्टेंटली हम इस पर चेक करेंगे ताकि यहाँ पर जो रिहायशी हैं और यहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं वो थोड़ा फ्रीली चल सके। बिल्कुल सही। इसी साहब आपने ये देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी गाड़ियाँ आई ये ट्रक आया लोगों की दौड़े लग गए, सामान अंदर कर रहे हैं कि हम बचा लें किसी तरह, हमारा सामान जो है वो कब्जे में ना ले लिया जाए। खुद कब्जा माफिया है लेकिन वो समझते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एजुकेशन भी है इनके पास, इनको पता भी है ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से कर रहे हैं? देखें मैम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो अपनी दुकान से बाहर चीज़ रख रहा है वो आपको कहीं ना बोलेगा हमें किसी ने बताया नहीं, हमें नोटिस नहीं दिया, ये नहीं किया। एवरी पर्सन डूइंग इंक्रोचमेंट नोस कि वो इंक्रोचर है, वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और वो एक वो कर रहे हैं इलीगल। आप कह सकते हैं एक हैबिट्स हैं, हैबिट्स इतनी परमानेंट हो गई हैं कि दे डू नॉट कंसिडर इट समथिंग रॉन्ग। दूसरा ये है कि देखें हमारी भी कैपेसिटी इशूज़ हैं, उसको एडमिट किया जाना चाहिए कि फॉर द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, फॉर अमाउंट ऑफ इंक्रोचमेंट हमारे शायद उस तरह हमारे पास मैन पावर रिसोर्स नहीं होता। हमने प्लान रखा होता है, हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, तो उस चीज़ का भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि दे अंडरस्टैंड कि ये कॉन्स्टेंट चेक नहीं रख सकते, तो चलें ये जब तक आएंगे हम अपनी पीछे कर देंगे चीज़ें, रात को आगे कर देंगे। अभी अभी यहाँ पर एक बहस भी चल रही है, मैं चाह रही हूँ कि आप आएँ ज़रा इनसे पूछें तो सही कि पूरे पीछे पूरा होटल है, पूछे पूरी दुकान है। ये मुझे बताएं कि किस कानून के तहत आपने अपनी दुकान के सामने पूरा फुटपाथ पकड़ा हुआ है? सर ये इधर पूरी मार्केट ने ऐसे लगाया। आप ये जवाब ना दें कि दूसरी दुकान ने क्या किया है, आप मुझे अपना जवाब दें। हम समझना चाह रहे हैं कि आपके जहन में क्या बात आती है। इधर आपसे सिर्फ मेरा ये सवाल है कि आप क्यों आप ये करते हैं, आपको क्या वजह क्या है, आप इसका जवाब दें। ये है बाहर कस्टमर को दिखता है ठीक है, इसलिए ये काउंटर बाहर लगाया हुआ था, आइंदा से नहीं होगा ठीक है भाई। मेन रोड पे लगा लो, सड़क बंद करके ना एक लेन वहाँ लगा लो। अगर आपका ये कस्टमर नहीं है तो फिर आप इधर लगा लें रोड पे, ऐसा तो नहीं है। बाहर नहीं ना लगा सकते, आपका ये भी आदत दूर लगाया इधर फुटपाथ पर। देखिए मैडम आपको बताना पड़ने स्ट्रक्चर क्या क्या, ये इनको आज नोटिस साहब दे के ये अगर इन्होंने विद इन 48 आवर्स खुद रिमूव नहीं किया वी विल डिमोलिश इट, ये हम खुद फिर तोड़ देंगे। वो कह रहे हैं जी ये दुकान की प्रॉपर्टी है, वो कह रहे हैं हमारी जगह है, इनको जरा एजुकेट करें। बिल्डिंग लाइन इनके पास है, अगर इनके पास कोई कागज़ है आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप अभी कैमरे पे आके मुझे दिखा दें। आप दिखा दें ये हमने बनाया भाई, हमें पता है ये क्योंकि टफ टाइल्स लगी हुई है इसके ऊपर। हमने आर्ग्यू नहीं करना, बता दे कागज कोई ले आए, हम ले लेते हैं, हम तो किराएदार हैं रेंट पे हैं। आप कागज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपको अपना पता ही नहीं है क्या, ये कन्फिस्केट भी आपकी चीज़ें होंगी और ये स्ट्रक्चर भी टूटा है थोड़ा सा। सर सिर्फ कन्फिस्केट किया जाता है या जुर्माना भी किया जाता है, अथॉरिटी क्या कहती है? देखिए आपको लीगली यू आर एम्पावर्ड टू कन्फिस्केट विद, आपके पास लीगल अथॉरिटी है कन्फिस्केट करने की, सील करने की और फाइन करने की। हम जो है देखें ये तो हमारा डिस्कशन होता है बेस्ड ऑन द वॉयलेशन और बेस्ड ऑन जो बंदा हैबिचुअल है नहीं है,
दुकान बड़ी है छोटी है हम उसके मुताबिक करते हैं। देखिए हम इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि हम इसमें ये भी एटलीस्ट मेरा ये होता है कि ज़्यादती भी ना हो। आजकल इकोनॉमिक टाइम भी टफ है और लोग मजबूर हैं, बट ये है कि जो बिल्कुल ही हैबिचुअल है और उसकी दुकान को इंक्रोचमेंट रिमूव करने से कोई उसका इतना मॉनिटरी फ़र्क भी नहीं पड़ता तो अब इसे उस पर तो सख्ती करते हैं, उसके ऊपर सख्ती करते हैं। अब आगे भी देखिएगा सर, आइएगा मेरे साथ कि यहाँ से ये वाला पूरा रोड भी क्लियर कराया गया है और बाकायदा लोगों ने दीवारें कायम करके मतलब अपनी अपनी जगह समझ ली है। यहाँ पर वार्निंग्स दी जा रही हैं जी, वार्निंग्स के साथ साथ जो परमानेंट तजावुजात हैं जिन्होंने बाकायदा खुद से बना ली हैं दुकानें फुटपाथ के ऊपर, जैसे वहाँ तंदूर बना हुआ है तो उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, लोगों के स्टैंड ज़मीनें जो दुकानों से बाहर पूरा सामान पड़ा हुआ था उसको उठाया जा रहा है, इनको वार्निंग्स दी जा रही हैं और जुर्माने के बाद जो है वो इनका सामान इनको वापस किया जाता है इस चीज़ के साथ कि दोबारा जो है वो इंक्रोचमेंट नहीं होगी। दो दो ट्रक यहाँ पर मौजूद हैं और आगे आप रोड तक देखें तो लोग इकट्ठे हो गए हैं, लोग रेजिस्ट भी कर रहे हैं कि हमें यहाँ से सामान नहीं उठाना चाहिए, ये तो हमारी अपनी जगह है, लेकिन जब साबित करने की बारी आती है तो वो नहीं करते। रैशी नहीं है मैडम, आप उनसे मैं बातें में चाहता हूँ, उनकी व्यूज भी बंदा ले तो वो उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा यहाँ डिस्टर्ब। बिल्कुल सर, ये देखे ना यहाँ पे ये सारे जो है ना ये फ्लैट्स है सर, इधर हाँ जी आप देखें ना, खुद देखें ये शॉप्स तो हैं ही नहीं, इन लोगों ने इलीगली ये सारी शॉप्स में कन्वर्ट कर लिया उन फ्लैट्स को, ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी वैसे ही नहीं हो सकती। अच्छा ये देखें जी, इन्होंने लिखा हुआ है अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल सड़क के दरमियान में खड़ी ना करें, रश के दौरान मोबाइल और जेब का ख्याल रखें। लेकिन हम अपनी चीजें फुटपाथ पे रखेंगे, हम अपनी चीजें फुटपाथ पे रखेंगे, हम कब्जा करके रखेंगे, पैदल चलने वालों को जगह नहीं देंगे। आगे से बहस होती है सर, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये आर्गुमेंट, थोड़ी सी जगह दीजिएगा कि आगे से जब बहस चलती है कि मैडम आपकी गुजरने की जगह है तो सही सड़क से गुजर जाएं, आपको फुटपाथ की क्या जरूरत है? ये मैडम वो है, मैं अर्लियर भी बात कर रहा था कि हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं हम कि हमें ये काम गलत लगता ही नहीं, एंड दैट इज़ वेयर आप कह सकते हैं ना कि अफसोस से कि हम कह सकते हैं इतना हमारा वो मोरालिटी डिग्रेड हो गई है कि एक फुटपाथ कवर करके किसी की फैमिली को खातून को देखते हुए कि वो दूर हो के मेन रोड से तंगी से गुजर रही हो, हमें वो अफेक्ट ही नहीं करता। अब ये देखें सर, अच्छी खासी दुकान है पीछे, बाकायदा तंदूर है और पूरे का पूरा तंदूर फुटपाथ है, इनसे पूछेंगे नहीं पता ही नहीं होगा। सामने कौन है, किसका है वो? सर बॉस तो नहीं है सर, बॉस नहीं है। फिर काम में आप करते हैं ना? जी हम मजदूरी तो कर रहे हैं। मैंने आपसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछा, रेट लिस्ट किधर लगी आपने? तो तंदूर वो रेट लिस्ट भी रोटी वाली नहीं लगाई? नहीं सर, रेड लिस्ट लगी थी उधर से, वो अभी लगी थी हवा से मैडम, ये भी बहुत बड़ा होता है हमारे, हवा से हमेशा रेड लिस्ट ही गिरती है, बाकी कोई चीज़ नहीं गिरती। कितने का दे रहे हैं नान? 25 रुपए। और रोटी? रोटी नहीं है हमारे पास, सिर्फ नान, सिर्फ नान है। नान की कीमत अभी तक डिसाइड नहीं हो सकी, वो ये कहते हैं जी अभी उस पर हम मीटिंग्स कर रहे हैं, 20 का करना है 25 का, तो वो जो सिलसिला है वो चल रहा है। जो परमानेंट इंक्रोचमेंट्स यहाँ पर की हुई थी उसके खिलाफ ऑपरेशन अभी से शुरू कर दिया गया है क्योंकि बहस और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तंदूर का ये पूरा एरिया जो फुटपाथ के ऊपर बना दिया गया था उसको अभी से तोड़ा जा रहा है, और सर ये हमारा एक्शन आपके साथ हुआ था शालिनी में और हमने उस वक्त भी ये कवर किया था, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन क्या हुआ था कि 3 दिन के बाद हम दोबारा गए वहाँ पर, क्योंकि हम मीडिया वाले थोड़ा सा फॉलोअप ज़्यादा लेते रहते हैं शायद, वो इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है वो थोड़ी सी डाउन हुई और लोगों ने दोबारा कदम उठाया। इसको कैसे रोका जाए, ये सील कर देना चीज़ें उठा लेने से अपेरेंटली इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैम इसमें जो है जो अभी मॉल टाउन लिंक रोड पर भी आपको हमने दिखाया कि इसमें मेन चीज़ सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए भी आपने एक जगह पर बहुत ज़्यादा बार बार फोकस करना है। मॉल टाउन लिंक रोड पर आराम से करें, मॉल टाउन लिंक रोड पे जो है 7 डेज से हमारा हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, अभी भी आप देखते हैं एक आध वॉल्यूशन हो जाती है, जब कांस्टेंटली हम कर रहे हैं हम स्लोली अभी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हैबिट्स चेंज हो रहे हैं। इसका सलूशन यही होता है कि आप एक जगह को बार 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 आपकी मॉनिटरिंग भी हो ताकि वहाँ के जो लोग हैं दे नो के नाउ स्टेट मीन्स बिजनेस, और अब ये कोई दिखावे वाला नहीं है कि आज हो गया कल नहीं होगा अगले महीने होगा, तो इसकी ये है कि इस पर नुकसान इसका आप कह सकते हैं डाउन साइड ये है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, आप एक जगह को पूरा कंप्लीट करके स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि वो आपकी सस्टेनेबिलिटी रहती है। बिल्कुल सही सर, हम आपसे मज़ीद भी बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप ज़रा उन दुकानदारों से भी बात करें, मैं उनकी लॉजिक सुनवाना चाह रही हूँ, जो भोंदे हीले बहाने हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या हैं वो भी दिखाना चाहूँगी, तो हम उस तरफ भी चलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कंटिन्यूस ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और फैसल टाउन फ्लैट्स वाली ये रोड है जो कि रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन उसको पूरा एक कमर्शियल मार्केट टाइप बना दिया गया, जहाँ फुटपाथ के ऊपर लोगों ने अपनी दुकानें कायम की हुई हैं, अपने स्टॉल्स जो है वो बाहर रखे हुए हैं। रेजिडेंट को बुलाया गया है यहाँ पर। आप जरा बताएंगे कितनी तंगी होती है लोगों को जो या रेजिडेंट्स उसके लिहाज से? रेजिडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा तंगी होती है क्योंकि ट्रैफिक का दखल बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल हर किस्म का ट्रैफिक के साथ पैदल चलने वालों का भी। मुझे फुटपाथ की शक्ल नज़र नहीं आ रही, एक फुट के अलावा छः फुट का फुटपाथ सरकार की जगह है। नहीं, इनकी तरफ से पहले भी इजाज़त मिली हुई थी कि आपने जो है ना फुटपाथ तक करना है, फुटपाथ से नीचे नहीं आना। अच्छा, ये बड़े लोग लॉजिक ये लोग नहीं रुकते, ये लोग नहीं रुकते बिल्कुल भी, फुटपाथ से नीचे आ जाओ। तो कहते हैं जी हमें 4 फुट की जगह हुकूमत ने दी है। नहीं नहीं, आज से पहले नहीं, हमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके उनसे जा ली। काफी ये है कि बहुत पहली जगह पे काफी पुरानी पुराना मसला है। कुछ आपके क्रॉनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे था कि आपको 2 या 3 फुट की लाइन लगा के दी गई है। However, with time, इस वक्त एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अभी तक लोग उस लाइन पे महदूद रह रहे हैं। यहाँ और दीगर इलाकों में वो लाइन कब की वॉयलेट हो चुकी है। सो राइट नाउ जब हमारी एक पुरानी इंतजामिया या पुरानी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन उन्होंने जब एक ऑप्शन दी थी, वो ऑप्शन रिटेन नहीं की, तो नाउ इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। नाउ यू हैव टू गो बैक टू जीरो, दे हैव टू शो अस कि ये जो है सरकार का वो मानेंगे, जो लॉज है उसको मानेंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। इस वक्त राइट नाउ जीरो टॉलरेंस की जा रही है। कोई 4 फुट की जगह 2 फुट की जगह सरकार ने नहीं दी है। अगर फुटपाथ है तो आपको खाली करना पड़ेगा, और बड़ी सिंपल सी उसकी निशानी ये होती है कि टफ टाइल्स लगी होती हैं, वो गवर्नमेंट की जगह है। अक्सर लोगों ने वहाँ पर भी मार्बल लगा लिया होता है और उसको अपनी जगह करार दे देते हैं। अब यहाँ आप आगे देखें, अब ये कहेगा जी मैं छोटा दुकानदार हूँ और मेरा जो है वो काम ही इतना नहीं चलता है, लेकिन आप देखें पूरी दुकान को छोड़कर काउंटर्स जो हैं वो बाहर, उसके बाद बाल्टियाँ और बाहर, और फिर टेबल और बाहर। तो ये इन्होंने टायर्स लगाए हुए नीचे, ये टायर्स का मतलब ही सिर्फ ये है कि वहाँ से एंटी इनक्रोचमेंट स्क्वाड आए और ये उसको अंदर कर टायर्स मतलब देख के जो है वो हम भाग जाएं। सर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इनसे बात करें, क्योंकि ये लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है, लोगों के जो बहाने हैं, जो एक्सक्यूजेज़ हैं, उस पर भी बात करें। उन्होंने बकायदा थड़ा बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी दुकान है? दुकान के बावजूद बाहर फुटपाथ पे एसी साहब वजह जानना चाह रहे हैं। आपका नाम? विकास। विकास, आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आपको पता भी है कि आप फुटपाथ पे बैठे हैं, दुकान की आपकी हदूद ये है, आप क्या? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको पता भी है यहाँ कभी टाउन कमला आता है, चलें आप फिर डिस्टर्ब भी होते हैं, आपका काउंटर भी ले लिया जाता है, आप हमेशा एक आपके ऊपर सलवार भी लटक रही होती है, आपको अल्लाह ताला ने इतनी स्पेस दी है कि आपका जो ये काउंटर है हो सकता है, फिर आप क्यों पब्लिक स्पेस पे मतलब फुटपाथ पर क्यों बैठे हैं? सर ये मेरे पास में बिल्कुल जगह थोड़ी है, दुकान देख सकते हैं आप, इसलिए ना मैं ये थोड़ा सा यहाँ पर रखता हूँ। तो ये जानना चाहता हूँ आप इतनी बहादुरी से कैसे यहाँ बैठ के, और क्या मैं ये समझता हूँ आपके जहन में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, मेरे फिर भाई देखें कारोबार मुतासर होता है, दिहाड़ी मुतासर होती है, कीमती सामान चला जाता है, हम खुद ख्याल क्यों नहीं कर रहे? खुद ख्याल क्यों? चले मैं क्लोज कर लेता हूं इसको। क्लोज अब क्लोज कर लेंगे जब वो एक्शन करने आ गए हैं। ये नॉर्मली हमारा यही बहाना होता है जी हम अब अंदर कर लेते हैं, ये हमें वार्निंग मिल गई है। वार्निंग्स मुसलसल मिल रही हैं, पूरे आप मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, पूरे शहर के अंदर ये ऑपरेशन चल रहा है, हर टाउन के अंदर जब ट्रक आता है तब हम उसको एक फियर सिंबल समझ के भागने की कोशिश करते हैं। ये साथ वाले भाई ने दुकान फ़ौरन से बंद कर दी, उन्हें पता लगा कि जी सामान जाने लगा है, उन्होंने दुकान बंद कर दी। सर ये जो डर का एलिमेंट है, क्या यही हमें कौम बना सकेगा? हम खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये हमारा मुल्क का कानून, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसमें तो मैडम देखें हर जगह मैं कहता हूँ, इससे मैं एक दफा को मॉल टाउन लिंक रोड की एग्जांपल दूंगा, वहाँ सेल्फ इन्फोर्समेंट हो रही है। जब तक पब्लिक कानून को सेल्फ इम्पोज नहीं करती, आपकी कोई भी पॉलिसी और कोई भी आपके जो डिसीजन है वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल, हमारी आई एडमिट हमारी कैपेसिटी इशूज़ हैं, हमसे कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट हमारे असाइनमेंट्स एक साथ चल रहे होते हैं, वी हैव टू ओवरलुक सो मेनी थिंग्स टुगेदर। हाउएवर जहाँ पे पब्लिक की सपोर्ट ना हो और पब्लिक खुद भी अपने आप पे कुछ कानून कुछ हद तक लागू ना करे तो पॉलिसी सक्सेस नहीं हो सकती। इट्स अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो हमें भी सबसे जो एक्सट्रीम एक्शन होता है, जो सरकार का जो सबसे सख्ती वाला चेहरा होता है वो दिखाना पड़ता है, और
उस पर फिर हमें आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। ये जो सख्ती वाला चेहरा है ये बहुत पहले शायद दिखा दिया जाता तो सिस्टम बेहतर हो जाता। सर मैं आपसे थोड़ी सी इजाज़त लूँगी और यहाँ पर रिहायशी मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसा देख रहे हैं आप इस ऑपरेशन को? पैदल चलने वालों की जगह पे दुकानें कायम की हैं, लोगों ने कब्जा किया हुआ है। फिर रीजनिंग में ये आता है जी हमारा कारोबार है, हमारी दुकान छोटी तो हमने बाहर लगा, ज्यादती नहीं है। बिल्कुल ज्यादती है। अब आप अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जब आपके ऑपरेशन के चले जाएंगे ना, उसके बाद फिर लोगों ने दुकानें भी खोल और रस्ते में भी आना, आने जाने वाली जो हमारी माएँ बहनें बच्चे हैं हमारी जो है वो अब आज़ाद हो जाती है, उन्हें उनके निकलने के लिए जगह ही नहीं। सही है, तो फिर ये ज्यादती नहीं है। बिल्कुल ज्यादती है, सख्ती होनी चाहिए। हाँ सख्ती होनी, ठीक है भाई, कह रहे हैं सख्ती होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भाई आप, ये ऑपरेशन जो चल रहा है फुटपाथ क्लियर कराया जा रहा है इंक्रोचमेंट के खिलाफ? एक दिन तो ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? ये फिर लोग ऐसे बाल लगाते हैं, जो बड़े होटलों वाले वो इनके पैसे दे देते हैं, उनका तो सामान को कोई हाथ नहीं लगाता। नहीं सामान उठाया उन्होंने बड़ा, वो सामान अभी तो उठाया है, आज के दिन तो उठा लेंगे, उसके बाद पहले ये गरीब की रेडी उठाई जाती है, दूसरों की क्यों नहीं उठाई जाती? बादशाह नियारी वाले ये मुकद्दस वाले उनके सामान को तो हाथ भी नहीं लगाया जाता। जो गरीब बंदे की एक रेडी है वो इधर कोई भी रेडी लगा रहे तो उसकी उठा लेंगे फौरी, उसको जुर्माना करेंगे। आगे ख्याल में ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ऑपरेशन या तो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए। हाँ। लेकिन ज्यादती दुकानदार करते हैं, ज्यादती रेस्टोरेंट वाले करते हैं, रोड ब्लॉक होते हैं ये हम भी मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो करते रहे जो गरीब है। ठीक है भाई, कह रहे हैं जी सबके लिए ऑपरेशन और बिला तफरीक और परमानेंट होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। एक दिन आए और पूरे महीने बाद जो है वो सो जाएं, ठीक है ना, एक दिन आएंगे ये सारा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद जो है हम वही ठेला होगा। चलें, ये आपकी सजेशंस मैं एसी साहब को जरूर दूंगी कि इसको कंटिन्यूस रखें ताकि सबको पता हो, हर दुकान वाला अपनी हदूद के अंदर रहे, एक दिन के लिए ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने पीछे कुछ रिहायशियों से बात की, ऑन एयर भी ऑफ एयर भी, अक्सर लोग ये कह रहे थे जी एक को छोड़ दिया जाता है दो के खिलाफ ऑपरेशन, या दो को छोड़ दिया जाता है एक के खिलाफ। इस रेस्टोरेंट का बड़ा लोग नाम ले रहे थे जी, मुकद्दस मिल्क एंड कसूरी फलूदा शॉप है और उसके फ्रंट पर जो है वो रेस्टोरेंट भी है, जिन्होंने सड़क के ऊपर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। लोग कह रहे थे जी ये बड़े ताकतवर हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होता। तो सर ये आपने कैसे कर दिया? इमरान साहब जरा कैमरा घुमाएं, ये तो तोड़फोड़ शुरू हो गई है इसमें। देखिए हम ये तो आप देखें तो फुटपाथ के ऊपर ही एक इन्होंने अपना मेरा ख्याल है कोई वॉशिंग बनाया है, कितना अनफॉर्चुनेट है। देखिए ताकतवर वगैरह नो डाउट पाकिस्तान है, सोसाइटी है, कुछ लोगों के कुछ ताल्लुक होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन देखिए कहने का मकसद ये जो हम यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली एक असिस्टेंट कमिश्नर अपनी सुपरविजन में कर रहा है, तो उसमें तो अगर आपने किसी एक को थोड़ी लैक्सिटी दिखा दी तो आपका तो पूरा पर्पस ऑफ द ऑपरेशन ही डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, के अलावा भी मतलब मैडम आपका मतलब इस आपका जो लोग हैं उनकी नज़र में बिल्कुल ही वो हो जाता है कि आपको मतलब आपको फेवर दे रहे हैं। तो जब हम ऑपरेशन आ गए रिगार्डलेस किसी की बड़ी दुकान है छोटी दुकान है ताल्लुक है नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ, अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ। यहाँ ये मैं फ्रंट पे आपको लेकर जाना चाहूँगी, इस रेस्टोरेंट के ना बहुत से स्टॉल्स जो हैं वो फ्रंट पे पड़े हुए हैं, एक बड़ा होटल टाइप रेस्टोरेंट टाइप है जिसका फैमिली हॉल भी है जिसके अंदर बैठ के आप खा भी सकते हैं। ये तंदूर जो है वो इन्होंने फुटपाथ के ऊपर लगाया हुआ है, पूरा अपना जो सामान है वो सर ये वो जगह है जो मैं कह रही थी कि टफ टाइल्स को ख़त्म करके लोगों ने अपनी चिप्स मार्बल अपनी जगह समझ लेते हैं, वहाँ मार्बल लगा हुआ है यहाँ चिप्स लगी हुई है। ये एटीट्यूड जो है ना इसको मुझे लगता है बड़ी मुश्किल से टैकल करने की ज़रूरत है। ये बुलवाइए ज़रा सर किसी को, और अच्छा खासा हॉल है, ज़रा घूम के देखिए आप, ये देखें पूरा एक फैमिली हॉल है, पीछे अच्छी खासी जगह है, ये काउंटर भी बाहर, ये काउंटर भी बाहर, ये भी बाहर, मतलब पूरा पूरा रेस्टोरेंट जो है वो सड़क की बेस पर फुटपाथ की बेस पर चला रहे हैं यहाँ पे ये लोग। और बुलवाया गया है जी अंदर से ऑनर को या जो भी मैनेजर यहाँ पर मौजूद है उनसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, उन्होंने अपनी फ्रिजें बाहर रखी हुई हैं सर। ये तो हाल है कि हम सरकारी जगह को डिस्प्ले सेंटर समझ लेते हैं। रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं या रोड के मैनेजर हैं? जी रेस्टोरेंट। तो आपकी आधे से ज़्यादा रोड पे क्यों लगी हुई हैं चीज़ें? वो फुटपाथ क्या वो आपका जी? आपकी मलकियत है फुटपाथ जो है? नहीं नहीं। आप मुझे से ये बताएं कि आप किस तरह यहाँ पे पूरा आपने पूरा सेटअप एक किचन का सेटअप फ्रिजेस सारी टेबलें आपने फुटपाथ रखा हुआ है, किस कानून के तहत आपने रखा हुआ है? साथ में आपकी चार दीवारी के अंदर जो चीज़ें उनकी सारी बाहर हैं, किस वजह से? ठीक है जी वो अंदर करवा देते हैं। अंदर की बात नहीं, मैं आपसे बिल्कुल पूछ रहा हूँ कि कैसे अभी ये आपके बंदे रजिस्टर कर रहे हैं, अभी आपकी दुकान ये सामान भी कॉन्फिस्केट होगा, आपकी दुकान सील भी होगी, आपके पास 5 मिनट है सब लोगों को बाहर निकालें और आपकी दुकान सील होगी, आप ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकते। कब से ये चल रहा है वैसे ये डिस्प्ले जो बाहर लगाते हैं? कैसे आपने तो सरकारी फुटपाथ के ऊपर मार्बल लगा दिया, ये कब कराया है? ये तो अभी करवाया बस, कुछ अर्सा ही हुआ है तो अब टूट जाएगा, फायदा पैसे जाया,
ये भी टूट गया, काउंटर भी जा रहे हैं आपके, पूरे रेस्टोरेंट को यहाँ पर सील किया जा रहा है और 5 मिनट की वार्निंग दी गई है कि इन सबको यहाँ से खाली करें और काउंटर पर रेजिस्टेंस भी आ रही है। सर लड़ाई झगड़े होते हैं आपकी टीम्स के साथ, ऑब्वियसली जब आप खुद होते हैं तो वो एक डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आप देख रहे हैं जिस एंटाइटलमेंट से फुटपाथ कब्जा किया होता है, तो जब हमारे यहाँ पे सिर्फ मुलाजिम आते हैं जो एक दो अमले वाले आते हैं तो ऑब्वियसली रिजिस्ट किया जाता है, और समटाइम्स शायद यही वजह हमारी फेलियर का हो कि हम उनको उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाते, तो इतने ग्रैंड लेवल पे ऑपरेशन नहीं हो पाते। तो जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि इफेक्टिव तभी होता है जब आप पूरी टीम लेके जाएं, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं टाउन ऑपरेशन का अमला भी यहाँ पे है, DSP ट्रैफिक भी साथ हैं, और हमारे पास पुलिस भी है, और हमारे पास अपना रेवेन्यू स्टाफ भी है, और हम सारे इकट्ठे होकर टीम वर्क हो रहा है, तो इसी का रिजल्ट आएगा जी। ये सील का एक स्टिकर जो है मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये दिखाइएगा ज़रा कि आज जो है सील करने लगे हैं इसको, ये स्टिकर अगर लगा हो तो सर व्हाट डज दिस मीन, इसके बाद की कार्रवाई क्या होती है ज़रा वो भी बता दें। सील का तो मतलब है दे कैन नॉट ऑपरेट, उसके बाद ये होता है कि ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द पेनल्टी दैट वी कैन डू, जब रेस्टोरेंट बंद होता है तो ऑब्वियसली ओनर को तकलीफ होती है, उसका बिजनेस हिट होता है। इसके बाद ये है कि देखें इफ़ दे कैन गिव अस इन राइटिंग कि आइंदा नहीं करेंगे तब ये डीसील भी हो जाता है, अदरवाइज हम इसको जुर्माना करते हैं, जुर्माना भी होता है, जुर्माना भी होता है, और अगर फिर से हैबिचुअल हों फिर FIR में करके अरेस्ट भी किया जाता है, फिर एक्सट्रीम मेजर्स जो हैं वो ली जाती हैं। ये पकड़िएगा सर, आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि ये देखें ये पूरे फुटपाथ से काउंटर्स ही क्या, यहाँ पर फ्रीज़र्स भी रखे हुए हैं, ये पानी का पूरा काउंटर बार लगा हुआ है, बाकायदा उन्होंने वहाँ पर अपनी सैनिटरी करके वहाँ पर नलके भी लगाए हुए हैं, बेसन लगा है। आप हाल चेक करें, इधर आएँ ज़रा रास्ता छोड़ें, यहाँ से टेबल्स तो रखे ही हुए हैं, यहाँ पे बकायदा फुटपाथ के ऊपर बेसन लगा दिए कि अगर आपने हाथ धोने हैं तो आप आराम से यहाँ पर धोएं, और गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क पे पार होंगी, और ये हमारी जो है ना वो जगह है, सरकार की जगह है तो हमारी सरकार है, और हमारी जगह तो हमने इस पर कब्ज़ा कर लिया। लोग यहाँ पर खड़े हैं देख रहे हैं किस तरह से ये क्लीनेंस की जा रही है, और मैं ये समझती हूँ कि ये जो अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन है इससे इलाके के रहायशियों को तो फ़ायदा होता ही है, दूसरा ये है कि एक ओवरऑल मैसेज जाता है कि ज़ीरो टॉलरेंस है जी, आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, आप सरकारी फुटपाथ पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, आपका जहां दिल करे आप दुकान नहीं सजा सकते, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसी कार्रवाई के तहत अब यहां से ये सारे काउंटर्स दुकान को सील किया जा रहा है, मालिक को बुलाया जाएगा और उसके बाद फिर उनसे कॉन्वर्सेशन होंगे कि किस तरह से क्लियर होगा। और लोग जो हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि जी हो रहा है ऑपरेशन, हो रहा है सही, हो रहा है गलत, हो रहा है, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जिन लोगों का रोज़गार मुतासर हो जाता है उससे, लेकिन इतने बड़े रेस्टोरेंट को मेरा नहीं ख्याल कि फ़र्क पड़ता है, अगर उसको पता है कि वो ये गलत कर रहा है, पूरी सरकारी जगह पर आपने मार्बल लगाकर उसको अपनी जगह डिक्लेयर कर दी, तो फिर हर कोई जहाँ चाहे जिसका दिल चाहे वो अपनी दुकान से जाकर काम शुरू कर दे, और फिर पाकिस्तान का कानून किधर जाए। बहरहाल जी ये जो ऑपरेशन चल रहा है पूरे शहर में, ये इफेक्टिव तब भी होता है जब कॉन्टीन्यूस रहे, जब मुसलसल होता रहे, एक दिन के ऑपरेशन के बाद 10 दिन 15 दिन की छुट्टी ले लें उसका फ़ायदा कोई नहीं नज़र आता। इन दी एंड मैं इस हिसाब से एक चीज़ जानना चाहूँगी, एक तो वार्निंग कि किस तरह से लोगों को वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के तहत, इस कैमरे के तहत वार्निंग देना चाहेंगे, दूसरा एक सवाल जो मैं शुरू से पूछना चाह रही थी लेकिन मैंने एंड तक रिजर्व करके रखा, तो दिस वुड बी माई लास्ट क्वेश्चन कि अक्सर लोग आपकी टीम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उनकी तो मंथलियाँ लगी हुई हैं, पैसे आके ले जाते हैं, 15 दिन बाद जब उन्होंने छापा मारना होता है तो हमें एक वार्निंग आ जाती है और हम अपना सामान अंदर कर लेते हैं, इसको कैसे ट्रांसपेरेंट करेंगे, ये करप्शन कैसे ख़त्म करेंगे, जो कि मैं ये नहीं कह रही कि नहीं एग्जिस्ट करती, करती है, आप भी मानते हैं हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए मैम, ये आपने जो पॉइंट रेज किया मुश्किल सवाल है, बट आप कोई प्रॉब्लम भी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, हल नहीं कर सकते जब तक आप जो अपनी अंदर की खामियाँ हैं उसको एक्नॉलेज ना करें, उसको एडमिट ना करें और उसको रेक्टिफाई ना करें। बिफोर एनी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन या बिफोर हम लोगों को बोलें कि अपने को रेक्टिफाई करें, उसके ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को बेहतर करें, लेकिन दिस इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, ये होता है, दीगर डिपार्टमेंट्स ही होता है, इसके हम रेक्टिफिकेशन मुख्तलिफ चीज़ों से करते हैं, अपनी HR को मैनेज बेहतर करना, कई शिकायत को हमने इंडिपेंडेंट मोनिटरिंग रखना कि आप जाके मेरे बंदे लगे हों वो जाके इंडिपेंडेंटली चेक करें कि ये क्यों, जिस तरह मैंने कहा था किसकी अथॉरिटी से थोड़ा लग रहा है, अगर वहाँ पे कोई हमारे सामने आता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, मिसाल बनाना, तो ये तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है, और अगर हम ये नहीं करें इट इज़ आवर फेलियर, तो उसको रेक्टिफाई करने के तो जो हमारे इंटरनल मैकेनिज़म हैं
थर्ड पार्टी चेक्स करना, आपके अपने इतने ट्रस्टेड होने चाहिए वो जाके चेक करें ताकि इंश्योर करें कि कौन से लोग जो मिलवस हैं और उनको फिर आप प्लक आउट करें। सर यूजुअली जब लोग मुझे ये आर्ग्यूमेंट देते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि वादा करें कि नेक्स्ट टाइम वो पैसे लेने आएंगे, यू मेक अ वीडियो और आप कंप्लेन करें। तो मेरा यही है, मेरा इसमें यही होता है जब हम ऑपरेशन करते हैं उस टाइम आके मुझे कंप्लेन आती है, तो मेरा यही होता है कि व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी बिफोर। जब एक्शन हो रहा होता है, जब तक आपको वो सिचुएशन कन्वीनियंट होती है, तो यू आर पार्ट ऑफ बिकॉज इट्स अ करप्ट सिस्टम, या उसको आप कहते हैं कि मेल प्रैक्टिस है, आप जब तक उसका पार्ट है, आपको जब तक उससे कन्वीनियंस मिल रही है, इट इज़ फाइन। आम शहरी मैम शिकायत कर सकते हैं, आम शहरी जो है वो उसी की वो बेसिकली वो ही जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी हमें चीज़ें मिलेंगी। बाकी आपने दूसरी बात की शहरियों को वॉर्न करने से, मैं इसको वॉर्न का लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, मैं आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए ये सड़कें ये चीज़ें जो हैं इससे पब्लिक ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेती है। ये जो आज रोड खुली है, फुटपाथ खुले हैं, इससे जो हमारा पब्लिक है उसको ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ तावन करें। दूसरा जो ये ताजर है जो एक मेंटेलिटी बन गई है कि जब तक दुकान से 10 फुट आगे नहीं आएंगी हमारी सेल नहीं होती, दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स। ये एक आपका वैसे ही मैं कह सकता हूँ ना एक साइकोलॉजिकली माइंड सेट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आजिज़ाना एक दरख्वास्त है कि हमारा साथ दें और इंक्रोचमेंट से जो है शहर को पार करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, एंड आई होप यू कंटिन्यू दिस कैंपेन, क्योंकि कंटिन्यू रहेगी तो ही उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा नजर आएगा। वेल थैंक यू सो मच आपका और आपकी टीम का। इसी के साथ नाजन आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप तजावजात में मुलविस हैं या तजावजात करते हैं तो ख़ुद से उन तजावजात को ख़त्म कर दें, वरना एक्शन जो है वो आपके उस दुकान के स्टेप तक भी पहुँच सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।